भारत सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया है। धारा 2 जिसमें वृक्ष को परिभाषित किया गया है उसमें से बांस को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है, जिसके लिए धारा 2-7 में संशोधन किया गया है। जंगल में खड़े बांस अब भी भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत आएंगे। उन्हें काटने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अपराध पंजीबद्ध किए जा सकेंगे। सरकार ने तर्क दिया है कि पूर्वोत्तर भारत में खड़े बांस के पौधों से पेपर पल्प उद्योग लगाए जा सकेंगे, साथ ही राष्ट्रीय बांस मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति भी हो सकेगी। इस संशोधनों से एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय को दुगनी भी की जा सकेगी। ये बदलाव रोजगार उत्पन्न करेंगे, साथ ही बांस की खेती को भी बढ़ावा देंगे।